नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जी इस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा जान रहे होंगे कि लगातार इस बिहार सीरीज की श्रृंखला में हम लोगों ने पूरे भूगोल को पढ़ा दिया, ए टू जेड भूगोल को पढ़ा दिया। और भूगोल को पढ़ाने के बाद अब हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला की तरफ जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हम लोगों ने कल बिहार के विश्वविद्यालय को पढ़ाया, आज बिहार के प्रमुख संस्थानों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चैप्टर तो हम लोग पढ़े नहीं होंगे, ठीक है? तो मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा क्या है दोस्तों, उद्देश्य यही है हमारा कि अगर एक क्वेश्चन भी अगर किसी चैप्टर से आ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन को भी हम तैयार करें और आपका एक अच्छा नोट्स कॉपी बनवा करके हम लोग दें, ठीक है? ताकि आप लोग दीपक जी ऐसे अकेडमी परिवार से जुड़ करके ठगा हुआ महसूस ना करें, है ना? ठगा हुआ का मतलब कोई पेड कोर्सेस ये नहीं है, ये लगातार श्रृंखला है और आप लोगों के दुआओं से श्रृंखलाएं अच्छी चल रही है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, इसी में हमारा समर्थन है और इसी में हम समझेंगे कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है? तो आज के श्रृंखला में बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है? आज के श्रृंखला में हम लोग बिहार के प्रमुख संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? बिहार के प्रमुख संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये कौन से संस्थान है तो देख लीजिए, संस्थान का अर्थ हुआ कि जो कुछ आजादी से पहले कोई संस्थान स्थापित हुआ या आजादी के बाद कोई संस्थान स्थापित हुआ, उन संस्थानों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि अमुक संस्थान किस जिले में अवस्थित है, पहला। दूसरा, अगर किसी संस्थान के द्वारा पत्र पत्रिकाएं अगर निकाली गई हो तो वो पत्र पत्रिकाएं आपको दिखाई देंगी और वो बताया जाएगा जहां से प्रश्न। आप अंतिम तक बने रहें, ज्यादा देरी का नहीं होगा, 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आप देखते रहें, ठीक है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों, तो पटना में सबसे ज्यादा संस्थान होंगे, आप जानते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से पटना में स्थित संस्थानों के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अंग भाषा परिषद, इसको लेने का कारण क्या था अंग भाषा परिषद को, क्योंकि देखिए अंग भाषा परिषद नाम सुनते, अंग नाम सुनते ही है ना आपके दिमाग में आ जाएगा कि अंग का मतलब अंगराजकरण से, और अंगराजकरण का जो क्षेत्र था वो भागलपुर का क्षेत्र था। तो भागलपुर आप चले जाइएगा, लेकिन ये भागलपुर में नहीं है अंग भाषा परिषद, भागलपुर में ना हो करके ये अंग भाषा परिषद पटना में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो कई साइट्स पर हम लोगों ने देखा इसकी स्थापना नहीं मिली, लेकिन प्रश्न पूछा गया था तो हम लोगों ने इसको शामिल किया। अगर इसकी स्थापना मिलती है तो एडिटिंग के दौरान आपको बता दिया जाएगा और अच्छा से समझा दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करें काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट, अगर आपको मालूम हो तो काशी प्रसाद जायसवाल है ना, साहित्य के क्षेत्र में बड़े नामी व्यक्ति थे काशी प्रसाद जायसवाल, और उन्हीं के नाम पर एक इंस्टीट्यूट पटना में 1950 में स्थापित किया गया दोस्तों, है ना? आप ध्यान में रखिएगा, इन्होंने खुद एक इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित किया था जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो आप जानिएगा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919, ये जो संस्था स्थापित हुई इसके द्वारा देखिए पत्रिका जारी की जाती थी। ये प्रश्न पूछा गया कई बार कि साहित्य जो ब्लू कलम से लिखा गया है, आप ध्यान रखें कि वो प्रश्न कई बार आपके आ चुके हैं। तो देखिए साहित्य नामक त्रैमासिक पत्रिका इसके द्वारा जारी की जाती थी, जो प्रत्येक 3 मास पर ये पत्रिकाएं जारी की जाती थी, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? और लगभग आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट के लाने के बाद बिहार में कौन सी संस्था उसी समय स्थापित की गई, तो बिहार हिंदी सम्मेलन साहित्य सम्मेलन स्थापित किया गया था। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं कि बिहार हर एक भाषा को लेकर के, हर एक कल्चर को लेकर के, चाहे वो उर्दू कल्चर हो, अरबी कल्चर हो, है ना, कोई भी कल्चर हो, बौद्ध कल्चर हो, जैन कल्चर हो, सनातन कल्चर हो, सभी को समृद्ध किए हुए समेटे हुए है हमारा बिहार। और ध्यान में रखिएगा कि इसी के तहत अरेबिक पर्शियन, पर्शियन का मतलब फारसी, रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में 1955-56 में स्थापित किया गया, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद पटना में यह स्थापित हुआ बिहार उर्दू एकेडमी, 1975 में स्थापित हुआ दोस्तों। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती थी, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इस पत्रिका का नाम है जवानी अदब, ठीक है? आपसे पूछेगा कि किस संस्था के द्वारा जवानी अदब नामक पत्रिका जारी की जाती थी, तो ये बिहार उर्दू एकेडमी 1975 में पटना में स्थापित, इसके द्वारा जवानी अदब पत्रिका जारी की जाती थी। फिर बात करें बिहार रिसर्च सोसाइटी, है ना, ये पटना के द्वारा
बिहार रिसर्च सोसाइटी ये पटना के द्वारा स्थापित है, पटना में स्थापित 1915 में आजादी के पहले जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे। अब देखिए ये नाम ही किसके लिए है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहार के पुस्तकों में राहुल संकृत्याय एक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं ल्हासा की ओर, तो जाहिर सी बात है वो तिब्बत की यात्रा पर गए थे राहुल संकृत्याय और उनका संबंध बिहार से था दोस्तों बेसिकली। तो राहुल संकृत्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें या तिब्बत से जो उन्होंने पुस्तक लाई थी वो पुस्तकें बिहार रिसर्च सोसाइटी में रखी हुई है, इस संस्था में रखी हुई है और इसके संस्थापक वही थे काशी प्रसाद जायसवाल ही इसके कौन थे संस्थापक थे जो 1915 में स्थापित हुआ था। ये तिब्बत से लाए गए पुस्तकों के कारण ये नामी है, ठीक है। उसके बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में स्थापित हुआ 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, ठीक है, और इसके द्वारा दो पत्रिकाएं जारी होती थी शब्दकोश और परिषद नामक पत्रिका, एक पत्रिका का नाम है शब्दकोश और दूसरी पत्रिका का नाम है परिषद, ये दो पत्रिकाएं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा जारी की जाती थी। थोड़ा सा ऊपर भी है पटना में जो स्थापित है, जगह के कमी के कारण हम लोगों ने ऊपर लिखा मैथिली साहित्य परिषद। अब देखिए ये देख करके लग रहा होगा आपको कि शायद मैथिली साहित्य परिषद जो है वो मधुबनी में होगा या दरभंगा में होगा मिथिलांचल वाले इलाके में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है पटना में आपका, ये कहाँ है पटना में और 1939 में इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था 1939 में। फिर बिहार पुस्तकालय संघ 1936 में स्थापित किया गया। अब देखिए बिहार पुस्तकालय संघ की अगर बात करें तो ये बिहार में कई स्थानों पर है बिहार पुस्तकालय संघ, ठीक है, लेकिन अगर एक आपसे जिला कभी पूछ दे तो उसका आंसर आपको पटना ही करना है, क्योंकि मुख्य रूप से जो मेन मुख्यालय है जो बिहार के सभी एरिया कोऑर्डिनेट करता है कंडक्ट करता है वो पटना ही है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाते हैं पटना के गंगा उपार वैशाली यानी हाजीपुर वाले इलाके में, वैशाली संघ की स्थापना 1945 में की गई थी और आज भी इसका मुख्यालय हाजीपुर में है वैशाली संघ का। फिर प्राकृतिक और जैन शास्त्र शोध संस्थान, जैन धर्म के लिए रिच है हमारा बिहार, है ना, और उसी के लिए शोध संस्थान जो है वो वैशाली में 1955 में स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और इसी कड़ी में देख लीजिए कि दो और संस्थान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मिथिला संस्कृत विद्यालय बेसिकली संस्कृत भाषा को लेकर के, है ना, संस्कृत भाषा को लेकर के संस्कृत कल्चर को लेकर के जो आज दबे जा रहे, बताइए दुनिया के लोग, है ना, जर्मनी में सर्वाधिक संस्कृत की कॉलेजेस हैं, विदेशी लोग संस्कृत सीख रहे हैं, विदेशी लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, भारत की संस्कृति को अपना रहे, लेकिन हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे, बताइए, है ना, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है, वो लोग साड़ी पहन रहे हैं और हम लोग धीरे 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 शॉर्ट्स का करके कल्चर का करके कि नहीं छूट है ये है वो का करके, है ना, हम लोग छोटे से छोटे कपड़े में चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सा बात है दोस्तों, ठीक है, कि भारत में सीता का सम्मान होता है, सूर्पनखा का नहीं, है ना, भारत में सीता सम्मानित है सूर्पनखा का नहीं, सीता के वेशभूषा में रहेंगे लोग तब तो, आज कल्चर बना है फटा हुआ जीन्स, अरे भाई फटा हुआ जीन्स गरीबी का पहचान था पहले, आज कल्चर बना दिया लोग उसको, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कला भवन पूर्णिया में है ना, कला भवन कहाँ है पूर्णिया में है। तो इतने जो संस्थान थे यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं और सभी वैसे ही संस्थान को शामिल किया गया है, जब कभी भी इसको क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, बीपीएससी में, सभी प्रश्नों को पूछा गया है, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप नोट्स बना पा रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीका से, ठीक है, नोट्स बना पा रहे होंगे और इसके लिए आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद, ताकि आप शेयर वगैरह करते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दुआओं के वजह से आज खड़ा होकर के पढ़ा पा रहे हैं, आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी हम लोग गरीब बच्चों के लिए एक तरह से हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।